बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव माता पिता बन गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू राजश्री ने दिल्ली स्थित अस्पताल में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ बेटी के पिता बनने की जानकारी साझा की और इस खबर के साथ लालू परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर में नए मेहमान के आगमन पर सबसे ज्यादा खुश तेज प्रताप नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, चाचा जो बने हैं। अब इस खुशी को उन्होंने ट्विटर के जरिए साझा किया है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमारे परिवार में नए सदस्य का आना इस बात का शुभ संकेत है कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने अपना आशीर्वाद दिया है। अब सारी परेशानियां जल्द दूर होंगी। मेरे अर्जुन को पुत्र धन प्राप्ति पर ढेरों बधाइयां। इस ट्वीट के साथ एक बार फिर दोनों भाइयों का कृष्ण और अर्जुन वाला प्यार भी दिखा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बेटी होने की जानकारी देते हुए लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। अपने हाथों में बेटी को लिए तेजस्वी यादव बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। अस्पताल में तेजस्वी के साथ उनकी बहनें भी दिखी हैं। तेजस्वी यादव की बेटी की बड़ी बुआ मिसा भारती ने बताया कि घर में हमारी प्यारी बेटी का आगमन हुआ है। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी के पिता बनने की जानकारी साझा की और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बनकर नन्ही सी परी मेरे घर मेहमान आई है, खुशियों की संग सौगात लाई है। दादा दादी बनने की खुशी में मम्मी पापा के चेहरे पे मुस्कान लाई है। इस खुशी के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहली बार दादा दादी भी बने हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के पिता बनने की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इंटरनेट पर लोग लालू परिवार को बधाइयां तक दे रहे थे। मजेदार बात यह है कि लोग पहले ही तेजस्वी यादव को बेटी होने की शुभकामनाएं दे रहे थे। अब तेजस्वी यादव को सच में बेटी हुई है। इस खुशी में उनका पूरा परिवार झूम रहा है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।